खराब बल्लेबाजी की वजह से नहीं, बुमराह की इस गलती की वजह से पांचवा वनडे हारा भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों 13 मार्च को भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच खेला गया। इस मैच में भी भारत को चौथे वनडे मैच की तरह ही हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 3-2 से सीरीज अपने नाम कर ली। इस शर्मनाक हार के बाद भारत के कई बल्लेबाजों तथा गेंदबाजों को दोषी पाया जा रहा है, लेकिन असल दोषी कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं, क्योंकि बल्लेबाजी ने काफी अच्छा खेला, लेकिन विराट की विकेट के बाद भारत की जीत डगमगाने लगी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए 273 रनों का लक्ष्य किया था, जबकि जवाब में 50 ओवर में भारतीय टीम मात्र 237 रन ही बना पाई। इस मैच की हार के पीछे भारतीय बल्लेबाजों को लोग दोषी मान रहे हैं। उनका मानना है कि धवन, रोहित तथा कोहली के आउट होने से मैच को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन असल का हार का जिम्मेदार बुमराह की गई एक गलती थी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए बुमराह ने 47वें ओवर में एक ऐसी गलती की जिसकी वजह से भारत पूरी सीरीज हार गई। दरअसल एक समय था जब 229 पर ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट उड़ चुके थे। उस समय काफी कमजोर बल्लेबाजी बची थी, वहीं उन बल्लेबाजों के लिए बुमराह गेंदबाजी पर भेजे दिए, लेकिन उन्होंने बिना किसी वजह से 19 रन लुटा दिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बढ़ता गया। अगर बुमराह उस समय इतने ज्यादा रन ना लुटाते तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 240 से ऊपर नहीं जा सकता था। इसके बाद भारत को अपना लक्ष्य हासिल करने में परेशानी हुई। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि पांचवें वनडे में भारत की हार का जिम्मेदार सबसे बड़ा कौन था। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।